अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। पीर पगाड़ा को 20 मार्च 1943 को शहीद करके नामालूम मुकाम पर दफन कर दिया गया। सैयद जबतुल्लाह राशिद राशदी 1909 में पैदा हुए थे और 12 बरस की उम्र में आप गद्दी नशीन हुए और हुर्रों के छठे पीर पगाड़ा मुंतखब हुए। सखर शहर में दरिया सिंध पर बने बिराज को बाईं तरफ के पुल से अबूर करें तो एक बहुत बड़ी नहर के किनारे किनारे खूबसूरत सड़क पीर जो चौगोट जाती है, जो पीर पगाड़ा का आबाई इलाका है। पीर चौगोट में पीर पगाड़ा के घोड़ों का बहुत बड़ा फार्म मौजूद हुआ करता था, अब वो कीमती घोड़े कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस इलाके में पीर पगाड़ा का एक आलीशान महल भी मौजूद है। सिंध के इलाके सांगड़ के मुखी जंगल से अंग्रेजों से मुकाबले के लिए हुर तहरीक की बुनियाद रखी गई, जो तहरीक को बरतानवी हुकूमत ने बगावत का नाम देकर पीर पगाड़ा को कत्ल करके झूठे मुकदमे में मुलवस कर लिया। इस मुकदमे में पीर पगाड़ा की पैरवी कायदे आजम ने की, मगर अंग्रेजों ने पीर पगाड़ा को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पीर पगाड़ा को 26 मार्च 1930 को गड़ंग बंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद 15 सितंबर 1930 को पीर पगाड़ा के खिलाफ मजीद झूठे केस रजिस्टर्ड करके पीर पगाड़ा को बम्बई प्रेसिडेंसी से मलक रत्नागिरी जेल मुंतकिल कर दिया गया। अंग्रेज हुकूमत के पीर पगाड़ा को जेल तोड़कर आजाद करवा लेने की खदशे के वजह से मुख्तसर अरसे में जेलें तब्दील की जाती रहीं। रत्नागिरी से राजशाही जेल मदनापुर मुंतकिल किया गया, वहां से अलीपुर ढाका रखा गया। पीर पगाड़ा मुख्तलिफ जेलों में रहकर इन इलाकों के हरियत रहनुमाओं से राबते में आ चुके थे। इनके वलवले और मनसूबे मजीद कभी और वसी होते चले गए। अंग्रेज हुकूमत ने 1936 में पीर पगाड़ा को नागपुर जेल से रहा किया तो पीर पगाड़ा जैसलमीर के रास्ते सखर पहुंचे। पूरा सिंध पीर पगाड़ा के इस्तकबाल को उमड़ आया। पीर पगाड़ा ने पीर चौगोट पहुंचते ही मुजाहिदीन की आम लामबंदी का ऐलान कर दिया। पीर पगाड़ा ने रहाई के बाद सांगड़ के करीब गड़ंग के मुकाम पर अपनी तहरीक का आगाज किया और कफन या वतन का नारा बुलंद करते हुए मैदान में उतरा। अब अंग्रेज के लिए पीर पगाड़ा को आजाद छोड़ना मुश्किल ही नहीं महाल हो चुका था। ऐसे में सरकार बरतानी एक बार फिर हरकत में आई और पीर पगाड़ा को कराची से 24 अक्टूबर 1941 को गिरफ्तार करके सियोनी में एक बार फिर पाबंदे सलासल कर दिया गया। पीर सैयद सबतुल्ला शाह पीर पगाड़ा की गिरफ्तारी के बावजूद अंग्रेज का सिंध में इस अमन का ख्वाब शर्मिंदा तबीर ना हो सका। अंग्रेज अफसरशाही और मुखबरों का जीना हराम हो गया। हुर मुजाहिदीन अपने अजीम मुर्शद की गिरफ्तारी पर बिफरे हुए शेर की मानिंद हर सिमत तबाही फैलाते नजर आ रहे थे। अंग्रेज ने इनके खिलाफ जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। सिंध में मार्शला लगाकर हुर एक्ट नाफज कर दिया। लोगों की बस्तियां जला डाली। तमाम हुर जमात को हरासती कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। अंग्रेज पीर पगाड़ा को मजाहमत तर्क करने पर सखर से नवाबशाह तक की रियासत देने की पेशकश कर चुका था, मगर हजरत सुरैया बादशाह फरमाते हैं कि जब मुझसे सौदेबाजी की बात करते हैं तो महसूस होता है कि मुझ में से असानियत खारिज हो रही है, लिहाजा आपने अंग्रेज की तमाम पेशकश मुस्तरद करके तख्तादार पर चढ़ना आजाद तसव्वुर किया। पीर पगाड़ा को जवानी की अरूज में 20 मार्च 1943 को हैदराबाद जेल में सूली पर लटकाकर शहीद करके किसी नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। पीर पगाड़ा के दोनों फर्जंदान पीर पगाड़ा सैयद सिकंदर शाह अलमरूफ शाह मर्दान शाह और सैयद नादर शाह को अलीगढ़ मुंतकिल कर दिया गया।
पीर पुकाड़ा के इरादतमंद वहां भी पहुंच गए तो अंग्रेज ने तंग आकर दोनों शहजादों को बरतानिया भेज दिया। क्यावे पाकिस्तान के बाद पीर पुकाड़ा की गद्दी बहाल हुई। शहीद सुरैया बादशाह के फरजंदे अकबर सैयद सिकंदर शाह अल मरूब शाह मर्दान शाह सानी ने 4 फरवरी 1952 को मसनद नशीन होकर दस्तार पगाड़ू हासिल की। क्याम पाकिस्तान के बाद बरतानवी हुकाम तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान हुकूमत के सपुर्द करके चले गए। चंद रोज कबल ये बात सामने आई है कि सुरैया बादशाह की फांसी का रिकॉर्ड जेल इंतजामिया के पास मौजूद नहीं। जेल में सुरैया बादशाह की फांसी की तैयारियों का रिकॉर्ड तो है लेकिन फांसी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। साल 2017 में बरतानवी हुकूमत बरेसगीर से मुतलक अपनी चंद पुरानी रिपोर्टें मंजर आम पर लाई है जिसमें से एक सुरैया बादशाह के मुतलक भी थी कि इन्हें हैदराबाद जेल में फांसी देने के बाद अस्तोला जजीरे में दफन कर दिया गया था। जजीरा अस्तोला बलोचिस्तान के सहली शहर पसनी से 6 घंटे की मुसाफत पर ग्वादर और पसनी के समुंदर में मौजूद है। ये एक छोटी सी बंजर पहाड़ी पर मुश्तमिल है बेआबाद जजीरा है। पसनी और ग्वादर के मछेरे बाज दफा इस जजीरे पर रात गुजारते हैं। इस जजीरे पर एक गुमनाम कबर है जिस पर मज़ार बना हुआ है और साथ ही एक मस्जिद भी है। कबर के बारे में मशहूर है कि यहाँ हजरत खिजर हैं और कुछ के बकौल यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग दफन हैं। गालब इमकान यही है कि सोला पर गुमनाम कबर सूर्या बादशाह पीर पगाड़ा सैयद जबकतुल्ला शाह शहीद ही की है। और आप सब से एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियो के लाइव नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचेंगे। ओके जनाब, रब रखा फीमा।